तो नमस्ते सभी को। कल ये बात हो रही थी कि ये जो भाव मेरे अंदर चलता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसको जब हम मूल्यांकित करने जाते हैं तो ये भाव को कौन तय कर रहा है, ये क्वेश्चन हमें आंसर करना है। तो हमने देखा कि स्टेप वन में हम ये देख रहे थे कि कौन सा भाव मेरी कल्पनाशीलता चल रही है और उसमें कौन सा भाव चल रहा है, और स्टेप दो और तीन में हम अपने भाव का मूल्यांकन कर रहे थे, और उससे हमने देखा कि जब भी मेरे अंदर सहज भाव होता है तो मैं सुखी होता हूँ या होती हूँ, जब भी असहज भाव होता है तो मैं दुखी होता हूँ। तो मेरे भाव के आधार पर ही मेरा सुख दुख तय होता है। अब ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि ये भाव जो मेरे सुख दुख का स्रोत है, इसका निर्णय कौन लेता है? ये क्वेश्चन हम सबको अपने आप से पूछना है कि इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है? क्या इस क्षण जो भाव मेरे में चल रहा है, इसका निर्णय बाहर से कोई स्थिति या परिस्थिति ये निर्णय ये तय कर रही है मेरे भाव को, या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे भाव को तय कर रहा है, या मैं स्वयं इसको तय कर रहा हूं? तो आई थिंक ये स्टेप कल ओपन हो गया था और इसके जो भी कल अपने अंदर चला उसके बेसिस पे अगर कोई डिस्कशन करना चाहे, कोई अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहे तो आप हैंड रेज कर दीजिए। एक्चुअल में यही जगह है जहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो भाव विचार चल रहा है, मैं कभी सुखी कभी दुखी हो रहा हूँ, तो इसका निर्णय कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई मान्यता ले रही है? तो जैसे जैसे ये ध्यान जाने लगता है तो यही पॉइंट है जहाँ पर स्वयं में काम करने की जो हमारी इच्छा है उसके प्रति संकल्प बनना शुरू होता है। ठीक बात है। क्योंकि जी क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर जैसे जैसे ध्यान जाने लगता, अभी तो ध्यान ही नहीं जाता है, तो हम कहीं ना कहीं बाहर से ही संचालित हो रहे हैं और या किसी मान्यता से संचालित हो रहे हैं और हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा हम देख पाते हैं कि हम कभी सुखी हो रहे हैं कभी दुखी हो रहे हैं, और इसका निर्णय जो है वो कौन ले रहा है? तो ये जैसे जैसे तय होने लगता है मैं ही ले रहा हूं, तो ये बात जो है वो पक्की होती जाती है। दूसरा ठीक ये है। है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो ट्रिगर का काम तो कर सकती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो संकेत कर सकती हैं, ट्रिगर का काम कर सकती हैं, लेकिन सुखी और दुखी अगर जो हो रहा हूं मैं, वो मैं ही हो रहा हूं, उसमें कोई बाहर की परिस्थितियां या बाहर की कोई मान्यताएं जिम्मेदार नहीं है। जब हम अपने अंदर ध्यान देते हैं तो हमें ये दिखता है कि मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, कोई और व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति मात्र ट्रिगर का काम कर सकती है, बट अल्टीमेटली डिसीजन कौन ले रहा है? तो डिसीजन तो मैं ले रहा हूँ। ये बात हम लोग को दिख रही है या नहीं, ये अगर आप थोड़ा चैट पे डालेंगे तो अच्छा होगा। दिख रही है? यस। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये भाव तो मैं तय कर रहा हूँ, इस भाव का निर्णय मैं ले रहा हूँ, ना कि कोई बाहर की परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति। ठीक
ठीक है, बढ़िया। बहुत से लोगों का रिस्पांस आ गया चैट पे कि ये दिख रहा है हमें। ठीक है, फिर ऐसा है तो अगर मैं ही तय कर रहा हूं तो फिर हमें तो दुखी कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भाव ही तय करता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। ये बात हम देख चुके हैं और हम ये भी कह चुके हैं कि भाव का निर्णय तो मेरा अपना है, तो फिर मेरी चाहना भी सुखी होने की है, तो फिर मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? तो कहीं ना कहीं हमारे जीने में नहीं आया है ना? अभी हम बात सुन ली, हमने सही भी लगा, हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में ही दिखा, लेकिन अभी हम उसको जीने में हर क्षण नहीं ला पाए, इसलिए हम फिर भी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि समय समय पे फिर ऐसा लगता है कि कोई दूसरे की वजह से ही हम इस कंडीशन में आए हैं। तो इसको भी हम देख लें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्या, कभी कभी ऐसा दिखता है क्या जैसे कि दूसरा ही जिम्मेदार है, दूसरे की वजह से मेरा भाव बिगड़ा। ऐसा भी है तो हम उसको भी देख लें, और अभी हम लोग 10 मिनट इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको देखेंगे, और इसमें ये अपने आप से प्रश्न पूछते रहेंगे कि ये जो भाव मेरे अंदर अभी चल रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई और व्यक्ति। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अभी इमीडिएटली, अगर सब ठीक ही लग रहा है और कुछ ऐसा नहीं दिख रहा तो हम अपने जो पिछले कल के या रीसेंट पास्ट में जो भी इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि हम दुखी हुए, उसको भी रिकॉल करके और उसमें देख सकते हैं कि क्या हुआ, भाव किसने तय किया, जो बाहर परिस्थिति थी या दूसरा व्यक्ति था उसने तय किया या मैंने तय किया। तो ये थोड़ा सा अभी 10 मिनट देखेंगे और उसके बाद हम फिर वापस शेयरिंग पे आएंगे। दस मिनट के करीब हम लोग ये अपने आप को देख रहे थे, अपनी कल्पनाशीलता को, पर्टिकुलरली इसमें जो भाव चल रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है, उसका निर्णय कोई बाहर की परिस्थिति से तय हो रहा है उस भाव का, या किसी और व्यक्ति से वो भाव तय हो रहा है, या मैं स्वयं उस भाव को तय कर रहा हूँ, ये हमें देखना था। और अगर कोई भी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहे तो शेयरिंग ले सकते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्ते। हाँ, कल्पनाशीलता में ये ध्यान में अभी बैठने पर पता चला कि जो कल्पनाशीलता में कुछ विचार आ रहे हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, बहुत फीवल है, और वो स्वयं में ही आ रहे हैं। उसमें बाहर के कोई परिस्थिति का, बाहर के उसका कोई योगदान नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो स्वयं से ही हो रहा है, शरीर का भी कोई योगदान नहीं है, सिर्फ जो है अपने अपने सेल्फ से ही भाव जनरेट हो रहे हैं, और वो एक चला जाता है दूसरा चला। दूसरी बात होती है दीदी, मुझे ये कुछ ध्यान में जैसे बैठते हैं ना, तो ये एक डिवाइन साउंड सुनाई पड़ने लगती है बराबर कंटिन्यूअस, और उसके बीच में फिर वो विचार आते हैं, तो दोनों दोनों दिखते हैं मुझे, साथ साथ सुनाई पड़ती है। तो अच्छा, तीसरी बात ये कह रहे थे दीदी कि जैसे एक वर्कशॉप में भी बताया था कि जो विचार आते हैं वो वृत्ति से आते हैं। वृत्ति में जब हमारी दृष्टि या तो प्रियत लाभ की होती है या न्याय धर्म की होती है,
न्याय धर्म की जो दृष्टि होती है, वो विचार जब आते हैं तो वो विचार जो है हमें सुखदायी होते हैं, वो विचार हमको सहज स्वीकार होते हैं, प्रिय लाभ के नहीं होते हैं, और वो हमको दुख देते हैं, परेशान करते हैं। तो ये न्याय धर्म सत्य के जो विचार वृत्ति से आते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस बने रहे हैं, ये कभी डिसअपीयर हो जाते हैं कभी। और वर्कशॉप में भी बताते हैं कि सारी जो मेहनत करनी है वो वृत्ति के ऊपर ही करनी है, इससे हमारी दृष्टि जो है न्याय धर्म सत्य की बने, और न्याय धर्म सत्य के और विचार होंगे फिर उसी प्रकार के उसके भाव होंगे। तो ये कंटिन्यूस नहीं रह पाता है, इसको इसको करने के लिए और किस प्रकार का वो काम करना चाहिए, इसे दृष्टि हमारी न्याय धर्म सत्य की बनी रहे और वैसे ही विचार रहे, और फिर उसी हिसाब से चित्त में चित्रण में जाए तो भाव भी हमारे ठीक रहे, और उसी हिसाब से फिर आस्वादन चयन हो। तो ये स्थिति बनने के लिए उनके ध्यान में बैठना पड़ेगा या इसके इसका कंटिन्यूअस प्रयत्न या प्रयास करना पड़ेगा। जी, तो अगर देखें तो वही काम हम अभी जो कर रहे हैं ना, जी उसी के लिए कर रहे हैं, ताकि अभी ये हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, हमने ना, हमारी बहुत सी पहले की भी बहुत सी मान्यताएं हो सकती हैं, तो जी हम और हमने और तरीके भी देखे होंगे, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीका है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, तो हम इसकी बात जो करें, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक तो अपने भाव के प्रति सजग हो रहे हैं, है ना, कि हमारा जी भाव क्या चल रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली उसी से हमारा सुख दुख तय हो रहा है ना। ठीक है तो सबसे पहले तो ये देख लें कि अभी इस क्षण मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है, उससे मैं आराम में हूं नहीं हूं, उससे मैं सुखी हूं दुखी हूं, है ना, वो दिख जाए, और फिर हम उसको अपनी सहज स्वीकृति को भी देख लें, उसको भी रेफर कर लें, और उसके बेसिस पे ये देख पाएं कि ये जो मेरे अंदर भाव चल रहा है ये मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर है या कुछ कोई ऐसी मान्यता के जो मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है। तो हमें दिखेगा कि जो भी भाव हमारे सहज स्वीकृति के आधार पर हैं उसमें ये जो आप बता रहे हैं ना, न्याय धर्म सत्य, जी ये जब हम सहज स्वीकृति को रेफर करते हैं तो ये उसी के लाइन में आते हैं जितने भी भाव आते हैं। फिर भाव हमारा ठीक रहे तो हमारे विचार भी ठीक हो जाते हैं, आशा भी ठीक हो जाती है, व्यवहार भी ठीक हो जाता है। तो मेन काम वही है कि भाव के प्रति सजग हो जाए सबसे पहले, और उसको हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर देखें क्या उससे मेल खा रहा है नहीं खा रहा है, और धीरे धीरे हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारे जो भाव हैं वो धीरे धीरे उस लाइन में आते रहते हैं। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि हमारे जो भाव हैं, अब वो भी जो आपने कहा ना, हमारी दृष्टि कैसी है, तो जैसी सृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि है, या हमने सृष्टि को कुछ मान लिया है और जी उसके बेसिस पे हमारी दृष्टि है, तो हमारे भाव जो हैं वो उससे लिंक्ड है, तो हमारी क्या मान्यताएं हैं, हमारे पुराने क्या संस्कार हैं, उसके बेसिस पे हम अपने भाव तय करते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि कौन सी मान्यता सही है, कौन सी मान्यता नहीं सही है ना, कौन से संस्कार ठीक है कौन से नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, तो अगेन अपनी सहज स्वीकृति से मेल खा रहा है नहीं खा रहा है उसके बेसिस पे जब हम उसको देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो भी ऐसे संस्कार हैं या जो मान्यताएं हैं जो सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप गिरने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, गिरने लगती हैं, और जो जो हमारी ऐसी मान्यताएं हैं जो सहज स्वीकृति के लाइन में है उनको फिर हम बनाए रखते हैं, उनको देख पाते हैं कि भाई अब उसका मूल्यांकन हो गया, देख लिया कि सहज स्वीकृति के लाइन में है तो उसको बनाए रह सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करके हमारे भाव जो है, हमारी जैसे जैसे वो संस्कार छटते जाएंगे
जैसे जैसे क्लीन अप होता जाएगा, वैसा वैसा हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी जो दृष्टि है वो सृष्टि जैसी है उसके लाइन में जैसे जैसे आता जाएगा, वैसे वैसे हमारे भाव भी ठीक होते जाएंगे। बट शुरुआत का जो काम है, मेन काम, सबसे पहले तो हम लोग बाहर ही देख रहे थे, तो अंदर तो ध्यान दिया ही नहीं। हमने कुछ पढ़ा, कुछ मान लिया, लेकिन अपने अंदर अभी क्या भाव चल रहा है वो जब तक नहीं देखेंगे, तो हमने जो भी पढ़ा, जो भी मान लिया, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे सुख दुख की बात है ना। पढ़ने से अगर मेरे सुख दुख में फर्क नहीं आ रहा तो कुछ तो और करना पड़ेगा। तो बहुत सी विधियां हैं, ये एक विधि है। अगर हम पूरा वो सहज स्वीकृति के बेसिस पे नहीं करेंगे तो अभी क्या होगा कि अगर हम, जैसे कोई गलत भाव आया, गलत यानी जो हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, जो हमें दुखी कर रहा है, हम उसको तुरंत चेंज करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर के लिए चेंज हो भी जाएगा, लेकिन अगर हमारी दृष्टि ही ठीक नहीं है तो फिर वो कैसे, कब वो भाव फिर से बदल जाएगा, उसके प्रति हम सजग नहीं होंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये सजगता बनाए रखना कि मेरे अंदर जो भाव चल रहा है और जो बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता है, वो भी देख लेना कि ये भाव अभी इस समय ऐसा भाव है जो मुझे सहज स्वीकृत है, अभी नेक्स्ट क्षण मेरे अंदर कुछ और भाव चल रहा है जो मुझे सहज स्वीकृत नहीं है, और मैं देख पाऊं कि जब सहज स्वीकृत है मैं सुखी थी, जब सहज स्वीकृत नहीं है मैं दुखी हूं। इतना देख लेना, उतने में वो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे जो भाव हैं वो सहज स्वीकृति के लाइन में आने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी मान्यताओं को नहीं देखेंगे कि सबसे पहली बात तो हमें अपना भाव के प्रति सजग होना है। अच्छा। भाव के प्रति सजग हो गए और ये देख लिया कि मेरा भाव जो है क्षण क्षण बदलता है, ठीक है, तो हर क्षण ये भाव के प्रति सजग होना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी देख लिया अपना भाव तो सेट हो गया, अब अगले क्षण फिर बदल जाएगा। कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, कुछ हमने मान लिया परिस्थिति के बारे में, तो फिर मेरा भाव बदल सकता है ना। तो सजगता को तो क्षण क्षण बनाए रखना पड़ेगा। जैसे ही हम सजग होंगे उसको देखेंगे, सहज स्वीकृति के लाइन में है नहीं है, बस उतना देखना भर है। वो देखेंगे और देखेंगे कि क्या चीज मुझे सहज स्वीकृत है, बस उतना बस ठीक है। जो अभ्यास जैसे अपन करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो स्टेप फर्स्ट से शुरुआत होगी, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, फिर हाँ ऐसे ही होगा ना। ऐसा है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो फर्स्ट 2-3 स्टेप्स हैं ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं, तो ऐसा लगेगा कभी कभी कि ये तो एक साथ ही हो गए, वो भी ठीक है जी। कि शुरुआत में क्या होता है कि हम अब एक एक स्टेप अलग अलग से चल रहे हैं, कि स्टेप वन में भाव के प्रति सजग, भाव क्या चल रहा है मेरी कल्पनाशीलता में। स्टेप टू में हम ये देखें कि इस ये जो भाव अभी चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है। अब ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चलते हैं शुरुआत में, ताकि हम ना अपनी सजगता जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हम देखना शुरू करते हैं, तो हम एक एक पॉइंट पे अलग अलग फोकस करके चल रहे हैं। लेकिन जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है, हम देखने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है ये ऑलमोस्ट एक साथ ही होने लग जाता है, कि जैसे ही भाव दिखा वैसे ही ये भी दिख गया कि सहज है कि असहज है, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ इसके साथ, है ना। और स्टेप फोर जो है कि मैंने इसका निर्णय लिया, अगर एक बार ये तय हो गया तो मुझे बार बार उसको पूछना नहीं पड़ता, है ना। वो तो मुझे एक बार मालूम हो गया तो हो गया। ये जरूर हो सकता है कि कभी कभी अनुकूल परिस्थिति ना हो और उसमें मेरा भाव बिगड़ गया, तो फिर मैं उसको फिर से उसका मूल्यांकन कभी कभी करना पड़ जाए कि इस परिस्थिति में भी मैंने ही निर्णय लिया कि नहीं। कभी कभी वो डाउट आ सकता है,
लेकिन ज्यादातर ये स्टेप 4 तो एक बार हो गया तो वो समझ में आ जाता है कि भाई ये तो मेरा ही किया धरा है, मेरा ही निर्णय है ना। हम उसको एनालाइज कर रहे हैं या उसको रैशनलाइज कर रहे हैं या उसके ना मतलब उसका विश्लेषण कर रहे हैं या इस टाइप की चीज, तो ये तो हमारे विचार चल रहे हैं, है ना। अब उसको भी देख लें कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं अभी, है ना। तो जी देखना जो होता है वो विचारों से और गहरा है। विचार जब दिखते हैं तो सिर्फ विचार, मतलब विचार एक लेवल के होते हैं। अगर हम अभी कुछ सोच रहे हैं और 10 मिनट के बाद हम उसको मेमोरी से निकालते हैं या रिकॉल करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, तो फिर वो विचार हम उसके बारे में उसको देख पाते हैं या उसको हम निकाल पाते हैं। लेकिन इसके अलावा क्षण क्षण जो विचार जैसा चल रहा है उसी टाइम देख पाना, उसके लिए हम अपनी जहाँ सहज स्वीकृति है ना, जो जिसको हम प्योर ऑब्जर्वर दृष्टा बोलते हैं, वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें एकदम उसी समय दिखने लगता है कि अभी मेरे अंदर ये विचार चल रहा है, अभी मेरे अंदर ये भाव चल रहा है। भाव जो है विचार से भी गहरा है, डीपर लेयर पे है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद जब अभ्यास थोड़ा हो जाता है देखने का, तब ठीक से दिखने लगता है। लेकिन शुरुआत में तो सिर्फ विचार ही दिखेंगे। तो जो भी दिख रहा है उसको देखते चलें, निर्णय बनाए रखें कि देखना है, विचार देखना है, विचार के बेसिस पे या विचार के बेस में क्या भाव चल रहा है उसको देखना है, उसके प्रति सजग होना है, और फिर उसको अपनी सहज स्वीकृति से मेल खा रहा है कि नहीं वो देखना है ना। निर्णय हम बनाए रखें और देखें तो धीरे धीरे वो हमारी जो कैपेसिटी है ना, जो हमारी एबिलिटी है, हमारी कॉम्पिटेंस है, वो बढ़ती जाएगी। कोई विचार आया मेरे अंदर कुछ भी चीज खाने का या कुछ करने का, तो खाने का विचार इतना हावी हो गया कि मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि ये मेरे लिए शरीर के लिए सही है, पौष्टिक है या ठीक नहीं। बात बस मुझे वो लग गया कि हाँ बस ये चीज खानी ही है। उसके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कि हाँ स्वीकार ही है तो अब खाना है। मतलब इसमें शेष स्वीकृति कैसे देख पाएंगे? हम कुछ भी खा रहे हैं, एक तो हाँ होता है टेस्ट, है ना, हाँ वो टेस्ट के हमें आधार पे पसंद होगा आता फिर। है, हमारी जीभ पर वो अच्छा लगता है हमें, चाहे मीठा हो तीखा हो जो भी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। तो हमें कुछ चीज पसंद आ गई, हमें उसका टेस्ट पसंद है, तो हम उसको खाने जाते हैं। पर अब हम अपनी सेहत स्वीकृति से ये नहीं पूछेंगे ये खाऊं या नहीं खाऊं, उसका आंसर इतना क्लियर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ये पूछें कि उसका पर्पस क्या है, तो ये मेरे शरीर के लिए पौष्टिक होगा या नहीं होगा, मेरे शरीर के लिए ठीक रहेगा या नुकसान करेगा, ये क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो हमें आंसर एकदम मिल जाएगा कि मैं अपने शरीर का पोषण करना चाहता हूँ या मैं अपने शरीर को हानि पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसका आंसर हमें बहुत क्लियर मिल जाएगा। भाई एक थोड़ा सा डिसहार्मोनी हुई मेरे साथ में। ये बात तो स्पष्ट है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आई, और दूसरा जो भी बात कहता है उसका निर्णय मैं लेता हूँ। अभी एक घटना से थोड़ा सा विचलित हुआ मैं, कि मैंने किसी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उसमें शायद मेरी तरफ से कोई बात ऐसी हो गई कि उसको बुरी लग गई बात। अब उसने जो मेरे को बोला उसका निर्णय तो मैं ले रहा हूँ। उसने मेरे को जो भी बात कही अपनी समझ से, तो उसको मैंने गहनता समझा, उसका भी जो मतलब है वह निकाला मैंने, और मैं तो ठीक हूं बिल्कुल, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे यह है कि दूसरा मेरे अपोजिशन में आ गया इसकी वजह से। अब मुझे लगता है कि मेरी वजह से कोई एक्ट ऐसा हुआ जिससे वो दुखी हो रहा है, लेकिन वो इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसहार्मोनी हो रही है, यदि इसको कैसे देखा जाए इस चीज को। तो उसमें सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा, हम अपने को देख लें सबसे पहले कि हो सकता है हमारे ही व्यवहार में, हमारा ही भाव कहीं बीच बीच में ठीक नहीं रहा हो और हमने कुछ कुछ किया हो जिससे कि मतलब हमारी तरफ से कुछ गलती हुई हो जिसकी वजह से दूसरा जैसा आपने कहा आहत हो गया है ना। तो सबसे पहले तो हम अपने अंदर देख लें,
जांच लें, और उसके बेसिस पे अगर हमें कुछ कमी दिखी तो अपने अंदर सबसे पहले तो हम भाव ठीक कर लें, और फिर ये कोशिश जारी रखेंगे कि दूसरे से जब भी हमारा इंटरेक्शन हो किसी भी फॉर्म में, तो हम अपनी तरफ से सही भाव सही व्यवहार के साथ पेश हों। उससे क्या होगा कि दूसरे का कैसा भी भाव रहा हो, जब वो बार बार देखेगा कि हमारा भाव उसके प्रति ठीक है, हमारा व्यवहार उसके प्रति ठीक है, तो उसने जो पुरानी मान्यता बनाई थी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मतलब हम क्या चाह रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त हम उसको बोल दें और उसका माइंड चेंज कर दें कि वो क्यों ऐसा सोचता है। तो ये भी एक रिएक्शन है ना, हम उस चीज को जल्दी चाह रहे हैं। अब ये हम शायद ना देख पाए कि हमारी तरफ से भी कुछ चूक हुई होगी और होती रही होगी, शायद हम इतना ध्यान नहीं दिए होंगे। तो हम अगर बहुत बार चूक कर दिए और उसकी वजह से उसकी ऐसी मान्यता बन गई कि हम तो ऐसे ही हैं, तो अब हम कुछ भी, अब इस टाइम हम कुछ भी बोलेंगे तो उसकी पुरानी मान्यता एक्ट कर रही है। तो वो जो पिछले इतने बार जो गलतियां हुई उसके बेसिस पे उसने कुछ मान लिया है हमारे बारे में, और वो मान्यता की वजह से उसका भी भाव बिगड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं भाई, अपनी तरफ से हम डिस्कस कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम उसको आश्वासन देने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा भाव ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम अपना भाव सही रख के व्यवहार सही रखेंगे और उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और बार बार ऐसा होगा तो उसकी मान्यता बदल ही जाएगी, है ना। डिस्कस करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वो सुनने को रेडी नहीं है अभी, और अभी वो बिल्कुल भी ना हमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से व्यवहार सही रखें, भाव सही रखें, और जब भी उसके साथ मिलना जुलना हो, जो भी हो, तो हम अपनी तरफ से सही रहें, तो धीरे धीरे दूसरा भी देख पाता है उस चीज को। तो एक एग्जांपल लेके मैं ये सोच रहा था कि आप बताइए कि कैसे हम वो विचार लेवल पे देख रहे हैं और उसी विचार में हम उसको और ऊपर वाला जो हमारा इमेजिनेशन है वहां पे उसको देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ये विचार दिख रहा है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, अब मैं उससे कैसे बदला लूं, ये विचार चल रहा है, तो ये विचार के पीछे क्या भाव हुआ उसको देखेंगे। जब हम उस भाव को देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि अभी मेरे मेरे अंदर उसके प्रति क्या भाव है, संबंध का है कि विरोध का है, क्या लगता है आपको? है, ऐसे देखने जाते हैं तो संबंध का ही आंसर आता है। संबंध का है तो फिर मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करने का सोच रहा हूँ? परंतु उस टाइम नहीं आ पाता है। वही तो उस क्षण क्षण क्या है कि हमारा भाव पूरा टाइम एक जैसा तो नहीं बना हुआ ना, क्षण क्षण बदलता है। आप ये देखिए कि आप काम पे जाते हैं, आपका एक भाव रहता है, वहां कुछ बात हो गई, अनबन हो गई, आपका भाव बिगड़ गया, होता है कि नहीं होता? जी दीदी, होता है। होता है ना, तो वही अपना जो भाव है वो एकदम स्थिर वैसा ही नहीं बना रहता, एक जैसा नहीं बना रहता। जैसे विचार भी बदलते रहते हैं, आपको दिखता है अभी कुछ सोच रहे हैं, उसके दो दो क्षण बाद कुछ और सोच रहे हैं, है ना। जी जी, तो इसी प्रकार भाव भी बदलता रहता है, तो उस भाव के प्रति सजग होना है और हर क्षण सजग रहना है। ऐसा नहीं कि अभी देख लिया तो बस हो गई बात खत्म। वो हम भी मान लेते हैं कि हमारा भाव तो ठीक ही है, हमारे सगे संबंधी हैं तो हमारा भाव तो संबंध का ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब वो सगे संबंधी हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं व्यवहार जो हमें ठीक नहीं लगता, तब उस क्षण हमारा भाव कैसा होता है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। जी जी, तो उसके प्रति हर क्षण हमें सजग होना है, क्योंकि वो तो बदलता रहता है,
और उसी से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, तो हम ही खुद अपना सुख दुख तय कर रहे हैं, तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्यों ना हम सुखी रहें हर क्षण? उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपने भाव के प्रति सजग होना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तय हो रहा है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखेगा कि मुझमें जो भी भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। कोई भी और व्यक्ति या बाहर की कोई भी परिस्थिति एक ट्रिगर का काम कर सकती है, मेरा ध्यान उस तरफ खींच सकती है, लेकिन अंततः मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूं। और ये भी हम देख पाए थे कि अपने भाव विचार के आधार पर ही हम सुखी दुखी होते हैं। तो इस अर्थ में मैं ही अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। और अगर हम इसको अच्छे से गहराई में देखेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि अपने सुख दुख के लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ। कोई भी बाहर की परिस्थिति या बाहर का कोई व्यक्ति इसको डिटरमिन नहीं कर सकता, मात्र एक ट्रिगर का काम कर सकता है, उससे हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता है हमारी ही इनकॉम्पिटेंस पे। तो इस चीज को हम और गहराई से आज देखने की कोशिश करेंगे। आज दिन भर में जितने भी हमारे इंटरैक्शंस होते हैं लोगों के साथ, जब भी हम किसी के साथ भी कोई भी इंटरैक्शन कर रहे हैं, उस समय स्पेशली अगर ये जो इंटरैक्शन है ये हमारे जो हम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तब उस समय हमारा भाव कैसा है उसके प्रति सजग हों और अपने आप से पूछें कि इस समय इस भाव के साथ मैं सुखी हूं या दुखी हूं, और इसका निर्णय कौन ले रहा है? ये जो बाहर परिस्थिति थी या बाहर जो व्यक्ति जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन था वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए? ये भाव कैसे तय हुआ मेरे अंदर, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और कल फिर आपकी शेयरिंग इस पे लेंगे। नमस्ते सब।